नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेहत साथी में। दोस्तों आज हम आपसे जानकारी साझा करने वाले हैं दिव्य स्वासारी परवाही की। पतंजलि आयुर्वेदा द्वारा निर्मित खांसी की आयुर्वेदिक दवा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खांसी, सर्दी, जुकाम, फेफड़ों व सांस संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। इसे पतंजलि खांसी की दवा के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको किसी भी पतंजलि स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। इसकी खास बात है कि यह पूर्ण रूप से एक आयुर्वेदिक दवा है और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। दिव्य स्वासरी परवाही के मुख्य घटक हैं काली मिर्च, अमलतास, लसोड़ा, भृंगराज, तेजपत्र, सौंठ, लवंग, तुलसी देसी, छोटी पीपल, मुलेठी, काला वसा, कटेली बड़ी, सफ़ेद वसका, बनफसा, दालचीनी इत्यादि। स्वासरी परवाही के फायदे: सर्दी जुकाम से राहत दिलाए। मौसम बदलने के कारण सर्दी जुकाम की समस्या आम है, जबकि ज़्यादा ठंड चीज खाने व नमी युक्त वातावरण में रहने से भी सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। जुकाम की वजह से व्यक्ति को नाक से पानी बहना, बार बार छींके आना व बंद नाक जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पतंजलि दिव्य स्वासारी परवाही सिर्फ सर्दी जुकाम की एक आयुर्वेदिक दवा है, जो वायरस के संक्रमण को दूर करके सर्दी जुकाम में आराम पहुँचाने में मदद करता है। खांसी के लिए दिव्य स्वासारी परवाही के फायदे: पतंजलि दिव्य स्वासारी परवाही खांसी की रामबाण आयुर्वेदिक दवा है। दरअसल इसमें मुलेठी, देसी तुलसी, लौंग व सौंठ का इस्तेमाल किया गया है, जो खांसी से तुरंत आराम दिलाने में मदद करते हैं। यदि आप खांसी के लिए बाजार में मिलने वाले कफ सिरप का इस्तेमाल करते करते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको डॉक्टर की सलाह से एक बार दिव्य स्वासारी परवाही सिरप का उपयोग करके भी जरूर देखना चाहिए। गले के दर्द व खराश के लिए: गले की खराश व दर्द के लिए भी दिव्य स्वासारी परवाही सिरप के फायदे अच्छे हैं। इसमें मौजूद मुलेठी, तुलसी व लौंग गले की खराश, खिचखिच, दर्द व सूजन को कम करने में काफ़ी मददगार होते हैं। इस तरह यह बैक्टीरियल संक्रमण को दूर करके सर्दी, जुकाम व खांसी के साथ साथ गले से संबंधित समस्याओं में भी आराम देता है। छाती की जकड़न को ठीक करता है। सीने में जकड़न या चेस्ट कंजेशन के लिए भी दिव्य स्वासारी परवाही का उपयोग फायदेमंद होता है। देखा गया है कि कई बार सर्दी, जुकाम, खांसी व छाती में बलगम आदि के जमने से कुछ लोगों को सीने में जकड़न महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सीने में कुछ जमा हुआ हो। दिव्य स्वासारी परवाही के सेवन से सर्दी, खांसी व जुकाम में आराम मिलता है और छाती में जमा बलगम भी बाहर निकलता है, जिससे सीने की जकड़न की समस्या भी दूर होती है। सांस फूलने की समस्या के लिए यदि खांसी लंबे समय तक पीछा न छोड़े तो इससे फेफड़ों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इससे फेफड़े कमजोर होने लगते हैं। फेफड़ों में आई इस कमजोरी के कारण सांस फूलने की समस्या हो सकती है। थोड़ा सा पैदल चलने या कुछ भारी सामान उठाने पर व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। इस समस्या को दूर करने में भी पतंजलि दिव्य स्वासारी परवाही मददगार होती है। यह खांसी से आराम दिलाने और फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जिससे सांस फूलने की समस्या में आराम मिलता है। अस्थमा के लिए स्वासारी परवाही के फायदे: अस्थमा के रोगियों के लिए भी दिव्य स्वासारी परवाही के फायदे अच्छे हैं। यह सर्दी, जुकाम व खांसी से आराम दिलाने के अलावा फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दी के मौसम में जब अस्थमा का खतरा ज्यादा होता है, उस समय इसका उपयोग काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अस्थमा या किसी भी प्रकार की समस्या में दिव्य स्वासारी परवाही का उपयोग चिकित्सक की सलाह से ही करनी चाहिए। पतंजलि दिव्य स्वासारी परवाही सिरप के फायदे: इन सब के अलावा दिव्य स्वासारी परवाही सिरप इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करता है। साथ ही इसके उपयोग से बंद नाक, बार बार छींके आना, निमोनिया और फेफड़ों के संक्रमण की समस्या में भी काफी लाभ मिलता है। आप चिकित्सक की सलाह से इन समस्याओं में स्वासारी परवाही सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक से पानी बहना, गला दर्द, गले में खराश, गले में सूजन, निमोनिया, अस्थमा, फेफड़ों का संक्रमण, फेफड़ों में दर्द, फेफड़ों में बलगम जमना, छाती में जकड़न, श्वसन संबंधी समस्या, कमजोर इम्यूनिटी आदि समस्याओं के लिए भी आप दिव्य परवाही सिरप का अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वासारी परवाही लेने की विधि व तरीका: पतंजलि दिव्य स्वासारी परवाही की खुराक रोगी की आयु, लिंग, बीमारी व चिकित्सा हालत पर निर्भर करता है, इसलिए इसका सेवन डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से ही करना चाहिए। सामान्यतः दिव्य स्वासारी परवाही कफ सिरप के 5 से 10 ml को सुबह और रात को सोने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे कि इसके सेवन के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए।